नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाजार जैसी वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन बनाना बहुत ही आसान है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम ये वेज मंचूरियन घर में बहुत ही आसानी से बनाते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी को हम कद्दूकस कर लेंगे। चाहे तो आप इसे मिक्सर में भी चलाकर बारीक कर सकते हो। इस तरह हमने पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है। इसमें अभी हम नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। इससे हमारे मंचूरियन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है। ये मैदा बाइंडिंग का काम करेगा। हमारे मंचूरियन को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर न हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हो, उससे भी ये हमारे मंचूरियन कुरकुरे बनते हैं। ये मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अभी हम इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर हम पूरा एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हमारा ये मिश्रण थोड़ा सा गीला लग रहा है, बचा हुआ मैदा और कॉर्नफ्लोर हम पूरा इसमें डाल देंगे। इसमें हमें ज़्यादा मैदा और कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है। अगर हमने इसमें ज़्यादा मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला तो आटा खाने का टेस्ट आ जाएगा। पत्ता गोभी का प्रमाण ज़्यादा रखना है, सिर्फ बाइंडिंग होने तक के हमें इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर डालना है। इस तरह हाथों पे गोल घुमा के हमें मंचूरियन नहीं बनाने। तो जिस तरह बाजार में मंचूरियन ओबड़ धोबड़ और खुरदरे रहते हैं, उसी तरह हमें ये मंचूरियन बनानी है। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और उसमें हम एक एक मंचूरियन डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने सभी मंचूरियन को डाल दिया है। नीचे के भाग से हल्का सा पकने के बाद में हम चम्मच से इसको हल्का सा हिला लेंगे। अभी ये मंचूरियन को हम उलट पलट करके 3 मिनट हम 70% पका लेंगे, देख सकते हैं आप। अभी ये मंचूरियन को हम निकाल लेंगे। ये मंचूरियन ऊपर से तो पक गए हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह पके नहीं है। ये मंचूरियन को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इनको 5 मिनट ठंडा करके फिर से हम इनको फ्राई करेंगे। ये मंचूरियन अभी 5 मिनट ठंडे हो चुके हैं। अभी हम कढ़ाई में कड़क तेल गरम करेंगे और उसमें हम ये मंचूरियन डाल देंगे। ये देखिए, ये मंचूरियन अभी पूरी तरह तल चुके हैं और अच्छे क्रिस्पी बने हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे। मंचूरियन सॉस में डालने के लिए मैंने लहसुन को कद्दूकस कर लिया है, अदरक भी कद्दूकस कर लिया है, प्याज बारीक काट लिया है, हरी और लाल शिमला मिर्च ली है और हरी मिर्च को लंबा काट लिया है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद में उसमें सबसे पहले बारीक किया लहसुन डालेंगे, उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे और उसको भी हम चम्मच से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। सभी को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें 2 शिमला मिर्च डाल देंगे। सभी को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे। सभी सॉसेस को तेज फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसा धुआं आने तक के सॉस पकने से हमारे मंचूरियन में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अभी हम इसमें 1 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको हम चम्मच से चला लेंगे। सब्जियां गलने को नहीं होना, इसलिए आखिरी में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये घोल हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ये घोल डालने से ये मिश्रण अभी धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है, देख सकते हैं आप। कॉर्नफ्लोर और सॉस अच्छे से पक चुके हैं और मिश्रण भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसमें
ये हमारे मंचूरियन डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। हम गैस पूरी तरह अभी बंद कर देंगे। अभी हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाल देंगे। आपके पास अगर हरा प्याज नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बाजार जैसी हमारी ये वेज मंचूरियन बनके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।